गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्विस पीस समिट। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दो दिन की जो समिट ऑन पीस थी यूक्रेन पर, बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट स्विट्जरलैंड में, वो ख़त्म हो गई है और होप रखा गया है कि इससे रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो बंद हो जाएगी। तो जो 100 अटेंडिंग डेलीगेशंस थे उसमें से 80 कंट्रीज और 4 ऑर्गेनाइजेशंस ने फाइनल जॉइंट कम्युनिक जो है वो, जिसका नाम पाथ टू पीस समिट रखा गया है, उसको सपोर्ट किया है। ठीक है, और अगर इस स्विस पीस समिट के बारे में देखें, इसका नाम समिट ऑन पीस इन यूक्रेन रखा गया था। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ये, जो कि सॉल्यूशंस ढूंढ रही थी कि कैसे रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है। तो ये बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट स्विट्ज़रलैंड में ऑर्गेनाइज़ की गई समिट है, जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव्स हर कंट्री से ऑलमोस्ट आए, 100 कंट्री से टोटल आए और ऑर्गेनाइजेशंस आई, ताकि पीस इनिशिएटिव्स को डिस्कस किया जा सके। प्राइमरी गोल इस समिट का ये था कि डायलॉग फैसिलिटेट किया जा सके और नेगोशिएशंस फैसिलिटेट की जा सके, ताकि वॉर जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में रुक सके। इस समिट में लगभग 100 कंट्रीज से, ऑर्गेनाइजेशन से और पीस एडवोकेसी ग्रुप्स के साथ उनके मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट किया, और सिर्फ 80 कंट्रीज़ और 4 ऑर्गेनाइजेशंस ने फाइनल जॉइंट कम्युनिक को जो है सपोर्ट किया है। अब जो ये जॉइंट कम्युनिक है, ये डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन कर रहा है कलेक्टिव कंसेंसस और रेकमेंडेशंस, जिससे जो है पीस आ सकता है रशिया और यूक्रेन के बीच में। इस कम्युनिक के हिसाब से टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो यूक्रेन की है, वो बेसिस होनी चाहिए किसी भी पीस एग्रीमेंट का, रशिया की वॉर को एंड करने का। तो इसमें 3 चीज़ों पर फोकस रखा गया है कि न्यूक्लियर सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी और प्रिजनर एक्सचेंजेस। इन तीनों पर फोकस रखा गया है कि इन तीनों की वजह से ही जो है पीस आ सकता है। पीस को जो है पार्टिसिपेंट्स ने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाई है वॉर को रोकने के लिए, और जो है कॉन्टिन्यूड डायलॉग और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स रिजॉल्व करने के लिए कन्फ्लिक्ट में, ये इम्पोर्टेंस दिखाई है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो जो भी कन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड लोग हैं उनको मिलनी चाहिए। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की गई है और सॉलिडेरिटी दिखाई गई है। ठीक है, तो इंडिया का क्या स्टैंड रहा है? इंडिया ने समिट को ज्वाइन तो किया क्योंकि इंडिया चाहता है एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया को लेकिन रिप्रेजेंट जो है वो सिर्फ सेक्रेटरी वेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो थे, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जबकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट चाहते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो खुद भी अटेंड करें समिट को। ठीक है, इंडिया ने डिसाइड किया कि वो जॉइंट कम्युनिक को जो है वो एंडोर्स नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ वो सॉल्यूशन ही एक्सेप्टेबल है इंडिया को भी, जो दोनों पार्टीज़ को, जो रशिया यूक्रेन दोनों साइड को जो है वो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, क्योंकि प्योर पीस तो तभी आ सकता है ना जब दोनों साइड्स एग्री करेंगी। तो रशिया ने तो ऑलरेडी समिट में अटेंडेंस देने से मना कर दिया था पहले ही। तो इंडिया के अलावा सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको और यूएई और इवन ब्राज़ील, इन्होंने भी इस फाइनल कम्युनिक को जो है वो साइन नहीं किया, जबकि उन्होंने इस समिट को अटेंड किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इनकॉइस। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हैदराबाद बेस्ड इनकॉइस ने एक न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया है जो कि प्रेडिक्ट करेगा एल्डीनो और लानीना कंडीशंस को। तो इनकॉइस क्या है? एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन जिसको 1999 में एस्टेब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा। ये एक यूनिट है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का। ओशन डेटा इंफॉर्मेशन एडवाइजरी सर्विसेज ये सोसाइटी को, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट और साइंटिफिक कम्युनिटी को देता है। राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग और वार्निंग सर्विसेज जो है ये कोस्टल पॉपुलेशन को सुनामी, स्टॉर्म सर्जेस, हाई वेव्स के अगेंस्ट देता है, और डेली एडवाइजरीज फिशर फोक को भी दी जाती है ताकि अबंडेंट फिश उनको जो है वो ओशन में मिल सके। शॉर्ट टर्म ओशन स्टेट फोरकास्ट जैसे कि वेव्स, करंट्स, सी सरफेस टेम्परेचर, वो भी डेली इशू किए जाते हैं। और ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम ये इंडियन ओशन में कई जगह पर जो है डिप्लॉय करके मेंटेन कर रहा है ताकि डेटा कलेक्ट किया जा सके। तो अब ये एलनिनो और सदन ऑसिलेशन है क्या? एनसो जो है ये ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है वाटर की, उसको अफेक्ट करता है। तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली है एलनिनो, जिसके अंदर क्या होता है कि अनयूजुअली वार्म सी सरफेस टेम्परेचर हो जाता है सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक में। अब लानीना कंडीशंस क्या होती हैं? जिसमें कोल्ड सी सरफेस टेम्परेचर हो जाता है सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक में। बेसिकली एलनिनो का ऑपोजिट होता है ये,
और इससे होता क्या है कि इंक्रीज रेनफॉल होता है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में, ठीक है। एलनीनो में क्या होता है कि इंक्रीज रेनफॉल देखने को मिलता है सदर्न यूएस और पेरू में, और ड्रॉट लाइक कंडीशंस देखने को मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया में। न्यूट्रल केस में क्या होता है कि सी सरफेस टेम्परेचर्स और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं इक्वेटोरियल पैसिफिक में वो नियर एवरेज ही रहती हैं। अब जो ये प्रोडक्ट बनाया गया है इनकॉइस द्वारा, ये इसका नाम है बेसियन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जिसमें AI, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये धीरे धीरे जो है चेंजेस हो रहे हैं ओशन में उनको ऑब्जर्व करता रहेगा, और ये एटमॉस्फेयर के पे क्या इफेक्ट उसका आ रहा है वो भी ऑब्जर्व करेगा। और इस इंटरेक्शन की वजह से अर्ली फॉरकास्ट देने में इसको हेल्प मिल जाएगी, और ये नीनो 3.4 इंडेक्स का यूज़ करते हुए आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा एनसो फेज जो है वो इंडियन ओशन में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कंप्लीट कर ली है प्रेपरेशंस री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता के लिए गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि सेकेंड होम बनेगा चीतास के लिए आफ्टर कूनो नेशनल पार्क। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक सेंचुरी है जो कि स्प्रेड है अक्रॉस मंदसौर वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, और चंबल रिवर इसको कट करती है सेंचुरी को। गांधी सागर डैम जो है वो इसी एरिया ऑफ द सेंचुरी के ही बीच में बनाया गया है। यहाँ पर इकोसिस्टम जो है वो रॉकी टेरेन है, शैलो टॉप सॉइल है, सवाना टाइप इकोसिस्टम है, जो कि परफेक्ट है चीता हैबिटेट के लिए। मसाई मारा ये एक नेशनल रिजर्व है केन्या में, वहाँ पर अपने सवाना वाइल्डरनेस और वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है, उसी को ही मिमिक कर रहा है यहाँ का भी जो इकोसिस्टम है, जो कि चीतास के लिए परफेक्ट है। तो एक एरिया बांट दिया गया है 64 स्क्वायर किलोमीटर का डेवलप किया गया है चीतास के लिए, जहाँ पर सॉफ्ट रिलीज किया जाएगा चीतास का, और एक एनक्लोजर भी बनाया गया है ताकि सूटेबल और सिक्योर हैबिटेट जो है चीतास को दिया जा सके। वाइल्ड लाइफ ऑफिशियर्स के हिसाब से जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटस असेसमेंट है हर्बीवोर्स या प्रेडेटर्स की, जो चीतास को रहने में वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, वो भी की जा रही है, और उसके बाद ही चीतास को आफ्टर मानसून पीरियड जो है वहाँ पर जो है वो लॉन्च किया जाएगा, या फिर वहाँ पर उनको छोड़ा जाएगा। तो चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि प्रे बेस जो है वो चाहिए चीता को सर्वाइव करने के लिए, तो जिन एनिमल्स के ऊपर जो है वो प्रे कर सकता है चीता, वो वहाँ पर एम्पल होना ज़रूरी है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेट देखा गया है कि लेपर्ड पॉपुलेशन जो है वो भी एक तरह से थ्रेट बन जाता है चीतास के लिए, क्योंकि ये दोनों ही आपस में क्लैश कर जाते हैं। ह्यूमन हैबिटेशन भी जो है, अनलाइक कूनो जो हाईवेज और ह्यूमन हैबिटेशन है, वो जस्ट आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ गांधी सागर जो है एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, तो एक थ्रेट बन सकता है ये भी चीतास के लिए। फाइनल कॉल जो है चीतास को इंपोर्ट करने की नमीबिया और साउथ अफ्रीका से आफ्टर मानसून ही ली जाएगी, क्योंकि मानसून में तो क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाती हैं जो एनिमल्स को, तो इसलिए आफ्टर मानसून ही जो है ये कॉल ली जाएगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मत्स्य 6000 या फिर मत्स्ययान 6000। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया सिक्स कंट्री बनेगा जिसका अपना डीप ओशन डीप सी मिशन होगा या डीप ओशन मिशन होगा, और मत्स्य 6000 ये एक 3-person सबमर्सिबल व्हीकल है जो कि 6000 मीटर्स इनसाइड दी सी जा सकता है। इस वेसल को चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है। 80 mm थिक टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल किया गया है। मत्स्य 6000 जो है वो ऑपरेट कर सकेगा 12 से 16 आवर्स तक स्ट्रेट, और इसमें ऑक्सीजन सप्लाई 96 आवर्स तक रहेगी। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी क्या है, 1993 में इसको एस्टैब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा, ताकि रिलायबल इंडिजनस टेक्नोलॉजीज बना सके कई तरह की इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो कि हमारे नॉन लिविंग या लिविंग रिसोर्सेज को हार्वेस्ट करने में आ सकती है इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में, उनको एड्रेस करने के लिए इसको बनाया गया। तो जो डीप सी मिशन है एक एम्बिशियस इंडियन इनिशिएटिव है एक्सप्लोर और हार्नेस करने का डेप्थ्स ऑफ द ओशन को, और मिशन जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजीज को बनाना चाहता है जिससे कि डीप सी माइनिंग एंड सबमर्सिबल्स और अंडर वाटर रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हुए जो है क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, डीप ओशन सर्वे और एक्सप्लोरेशन करने में हेल्प हो सके, ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन एयरफोर्स की एक कंटिंजेंट ने पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 में, अलास्का में जो अभी कंडक्ट हुई है। और ये सेकेंड एडिशन था एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का, जो कि एक एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। साल में 4 बार होती है, US एयरफोर्स इसको कंडक्ट करती है। इसमें इंडियन एयरफोर्स, सिंगापुर की एयरफोर्स, UK, नीदरलैंड्स, जर्मनी और US की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। एक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है इसमें, जिसमें कि रियलिस्टिक कॉम्बैट सिनेरियोस जो है फीचर करते हैं। इस साल डेब्यू किया गया है इंडियन एयरफोर्स के रफेल एयरक्राफ्ट ने भी एक्सरसाइज में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रिसर्च की गई है साइंटिस्ट द्वारा, जिसमें कहा गया है कि एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन जो हैं क्लास ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स की, जो कि रेफ्रिजरेंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, वो पीक कर चुके हैं 2021 में, और अब वो ऑलरेडी डिक्लाइन होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि नेशंस जो हैं वो कंप्लाई कर रहे हैं जो रिस्ट्रिक्शंस पोज की गई हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उन सब्सटेंसेस के ऊपर लाया गया था जो कि डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, और उनकी रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन के ऊपर ये डेडिकेटेड है। लगभग 100 ऐसे मैनमेड केमिकल्स हैं जिनको हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहते हैं। जो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट्स जो उनमें पाए जाते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स और एरोसोल्स। ये जो केमिकल्स हैं ये डैमेज कर देते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को। इसीलिए ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है बनाया गया था, वन ऑफ द रेयर ट्रीटीज़ जिसमें कि लगभग यूनिवर्सल रेटिफिकेशन हो चुकी है। इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है में जो है कंजम्पशन और प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को स्टेप वाइज मैनर में जो है वो कंट्रोल करके ख़त्म किया जा रहा है। जितने भी पार्टीज़ हैं उनको स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं इसमें। डिवेलपिंग डिवेलप्ड कंट्रीज़ दोनों की इक्वल बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पार्टीज़ को ओजोन सेक्रेटरीट असिस्ट भी कर रहा है, जो कि UN एनवायरमेंट प्रोग्राम नैरोबी केन्या में सिचुएटेड है। अब किगाली अमेंडमेंट की गई है 2016 में, जिसमें फेज डाउन की जा रही है प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी, ठीक है, जो कि अदरवाइज ऑल्टरनेटिव्स टू ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यूज़ किए जा रहे थे। तो लगभग हाफ अ डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर राइज है होना था 2100 तक, उसको एक तरह से अवॉइड करने का ये एक प्लान है। तो इसमें जो HFC के कंजम्पशन और प्रोडक्शन है उसको 80-85% तक 2045 तक कम करने का किगाली अमेंडमेंट का प्लान है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Swiss Peace Summit. This topic is important for your international relations. So a 2-day summit on peace in Ukraine at the Bergenstock Resort in Switzerland concluded recently with the hopes for an end to the Russia-Ukraine war. So out of the 100 attending delegations, 80 countries and 4 organizations supported the final joint communique from the Path to Peace Summit. So what is this peace summit or Swiss Peace Summit? It was formerly known as the Summit on Peace in Ukraine, and it was an international conference which aimed to address and find solutions to the ongoing conflict between Russia and Ukraine. It was held at the Bergenstock Resort in Switzerland. This summit gathered representatives from various countries and organizations to discuss and promote peace initiatives. The primary goal of this summit was to facilitate dialogue and negotiations aimed at ending the war between Russia and Ukraine. This summit brought together a wide range of participants, including representatives from numerous countries, international organizations and peace advocacy groups. And in the recently held summit, 80 countries and 4 organizations supported the final joint communique. So this joint communique was the document which was released recently by the collective consensus and recommendations for achieving peace between Russia and Ukraine. And according to this communique, the territorial integrity of Ukraine should be the basis for any peace agreement to end the war. And the 3 themes for the final settlement have been proposed around nuclear safety, food security and prisoner exchanges. Participants also expressed a strong commitment to end the war.
and they emphasize the need for continued engagement or dialogue and diplomatic efforts to resolve this conflict. The summit also underscored the importance of providing humanitarian aid to those who were affected by the conflict, including displaced persons and civilians in war-torn areas. This summit also facilitated international cooperation and solidarity with countries and organizations who pledged to work together to promote peace and stability in this region. So what was India's stand at this summit? India had joined this summit to explore the way forward for a negotiated settlement between the two countries, and India was represented by Secretary Westhoff, Ministry of External Affairs. Even though Ukraine President had asked PM Modi to attend the summit, so India decided not to sign the joint communique also, because India said that we are only willing to endorse those solutions or options which are acceptable to both parties so that it can bring an abiding peace. So India said that enduring peace can only be achieved through dialogue and diplomacy. So Russia, which is one of the party to the conflict, declined to attend the summit in central Switzerland. So apart from India, Saudi Arabia, South Africa, Thailand, Indonesia, Mexico, UAE and Brazil, they did not sign the final communique, but of course they participated in the summit. So the next topic is INCOIS. This topic is important for your environment section. So Hyderabad-based INCOIS has developed a new product to predict the emergence of El Nino and La Nina conditions. INCOIS is an autonomous organization which was established in 1999 under the Ministry of Earth Sciences, and it is a unit of the Earth System Science Organization to provide ocean data, information and advisory services to society, industry, government and the scientific community. It provides round-the-clock monitoring and warning services to the coastal population on tsunamis, storm surges, high waves, etc. It also provides daily advisories to fisher folk so as to help them easily locate areas of abundant fish in the ocean while saving on both fuel and time. It also issues short-term forecasts or ocean forecasts on daily basis, like with respect to the waves, currents, sea surface temperatures. And it also deploys and maintains a suite of ocean observing systems in the Indian Ocean so as to collect data on various oceanic parameters. So what is ENSO? ENSO is one of the most important climate phenomena on Earth due to its ability to change the global atmospheric circulation. Through ENSO, though ENSO is a single climate phenomena, it has three states or phases which can be classified into El Nino, La Nina or neutral phase. El Nino is the phase which is characterized by unusually warm sea surface temperatures in the central and eastern equatorial Pacific, which leads to excessive rainfall or increased rainfall in the southern US and Peru, and drought-like conditions in Australia, Indonesia and India. As compared to this, La Nina is the cold sea surface temperatures phase in the central and eastern equatorial Pacific, which causes the opposite weather conditions in El Nino and it can lead to increased rainfall in Australia and Indonesia and drier conditions in the southwestern US. In the neutral phase, the sea surface temperatures and atmospheric conditions in the equatorial Pacific are near average. And this new product, which has been launched by Hyderabad-based INCOIS, is called as the Bayesian Convolutional Neural Network, which is based on the latest technologies like AI, deep learning and machine learning, which this model will predict by observing slow changes in the ocean and how they interact with atmosphere. This interaction also allows enough time to make early forecasts, and this prediction would use the NINO 3.4 index, which would help identify the different ENSO phases also. Okay. So the next topic is Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. This topic is important for your environment section. So Madhya Pradesh government has completed its preparations for the reintroduction of cheetahs in the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary, which will be the second home to cheetahs in India after the Kuru National Park. So what is the status of Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary? So this sanctuary spread across the districts of Mandsaur in western UP, just around the border of Rajasthan. Chambal River cuts this sanctuary into almost two equal halves, and the Gandhi Sagar Dam lies within the area of this sanctuary. Due to the rocky terrain and shallow topsoil, the savanna ecosystem belongs to this sanctuary,
एंड अकॉर्डिंग टू द मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स द सेंचुरी मेक्स फॉर परफेक्ट चीता हैबिटेट एंड इट लुक्स लाइक मासाई मारा विच इज़ अ नेशनल रिजर्व इन केन्या नोन फॉर इट्स सवाना वाइल्डनेस एंड वाइल्ड लाइफ. सो प्रपरेशन हैव बीन मेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन गांधी सागर एंड गांधी सागर इज एन हैज़ ईयर मार्क्ड एन एरिया ऑफ 64 स्क्वेयर किलोमीटर सो विच इज़ डिवेलप्ड फॉर चीताज एंड अ सॉफ्ट रिलीज एंड क्लोजर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू इंश्योर अ सूटेबल एंड सिक्योर हैबिटेट फॉर द चीताज अपॉन देयर अराइवल. To gauge the existing ecological dynamics, the wildlife officials are also currently in the process of conducting a comprehensive assessment of herbivores and predators in the sanctuary. So, but there of course will be challenges for the viable cheetah habitat. For example, the first step is to ensure the prey base augmentation and increasing the numbers of animals so that these cheetahs can prey upon them. Just like in Kuno, the leopard population in Gandhi Sagar will also pose a threat to cheetahs because the two predators possibly can clash with each other for the same prey. Unlike Kuno, highways and human habitation also pass right outside the boundary of the protected area in Gandhi Sagar, which can also become a threat for the cheetahs. The final call on when the cheetahs will be imported from Namibia and South Africa will only be made after the monsoons because during the monsoon season, the cheetahs can be vulnerable to infection. So the next topic is Matsyayan 6000. This topic is important for your science and tech section. So India is set to become the sixth country in the world to have its own deep sea mission. So Matsyayan 6000 or Matsya 6000 is a 3-person submersible vehicle which would be used to go 6000 meters under the sea. This vessel has been developed by Chennai-based National Institute of Ocean Technology and it is made of 80mm thick titanium alloy. It can operate between 12 to 16 hours straight and it will have an oxygen supply of 96 hours. So what is National Institute of Ocean Technology? It was established in November 1993 as an autonomous society under the Ministry of Earth Sciences. The aim is to develop reliable indigenous technologies so as to solve the various engineering problems associated with harvesting of non-living and living resources in the Indian Exclusive Economic Zone. So what is Deep Sea Mission? It is an ambitious Indian initiative to explore and harness the depths of the ocean. It's a 5-year mission approved by the Union Cabinet in 2021 and the mission aims to develop technologies for deep sea mining, manned submersibles and underwater robotics. Okay. So the next topic is Exercise Red Flag 2024. This topic is important for your security section. So an Indian Air Force contingent participated in the Exercise Red Flag 2024 at Alaska in the US. This was the second edition of Exercise Red Flag 2024, which is an advanced aerial combat training exercise held 4 times in a year by the US Air Force. Participation of Indian Air Force along with Singapore, UK, Netherlands, German and US Air Force was made. This Red Flags is an air combat exercise featuring realistic combat scenarios and this year also was special because it marked the debut of Indian Air Force Rafale aircraft in the exercise also. So the next topic is Montreal Protocol. This topic is important for your environment section. So new research by a team of scientists has shown that atmospheric concentrations of a class of ozone depleting chemicals which are being used as refrigerants, foam blowing agents and solvents peaked in the year 2021 and it is now beginning to decline because nations are complying with restrictions called for by the Montreal Protocol. So what is Montreal Protocol? It is meant for substances which deplete the ozone layer and it's a multilateral agreement environmental agreement which regulates the production and consumption of nearly 100 man-made chemicals which can be referred to as the ozone depleting substances. So these substances are commonly used in our products like the refrigerators, air conditioners, fire extinguishers and even aerosols. When they get released into the atmosphere, these chemicals damage the stratospheric ozone layer. So that's why Montreal Protocol was made, which is one of the rare treaties to achieve universal ratification, and it talks about phasing down the consumption and production of the different ozone depleting substances in a stepwise manner.
अंडर दिस ट्रीटी ऑल पार्टीज हैव मेड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैव इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्टीज आर बींग असिस्टेड बाई दी ओजोन सेक्रेटरीट विच इज़ बेस्ड एट द UN एनवायरमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर्स इन नैरोबी केन्या देर इज़ ऑल्सो अ किगाली अमेंडमेंट विच वॉज मेड इन 2016 by the parties to the Montreal Protocol, who adopted this amendment to phase down the production and consumption of hydrofluorocarbons worldwide, which are widely used alternatives to ozone-depleting substances. And this HFCs, they are being avoided so that, or they are being phased down so that we can avoid up to half a degree Celsius of temperature rise by the year 2100. And under this Kigali Amendment, the countries would phase down the HFC consumption and production by 80-85% by the year 2045. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.